हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? सो, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही प्यारा सा वेडिंग कलेक्शन। तो फेस्टिवल के बाद वेडिंग स्टार्ट हो गया है, तो मैं आज आप लोगों के साथ ऐसे पीसेस शेयर करने जा रही हूँ जो कि आप फेस्टिवल पर और वेडिंग पर ईजिली कैरी कर सकते हैं। तो चलो जी, मैं शेयर कर देती हूँ आज का पूरा ही कलेक्शन। तो आज का पूरा ही कलेक्शन होने वाला है फ्रॉम लेबास एंड इंडोएरा से। तो फ्लिपकार्ट पे अच्छी खासी सेल लगी हुई है, शादी स्पेशल सेल लगी हुई है। तो मुझे लेबास के सारे प्रोडक्ट पे अच्छी खासी डिस्काउंट देखने को मिला, तो मैंने बहुत सारे कुर्ता सेट और एक एक पीस मैंने कुर्ता ओनली मुझे कुर्ता ही दिखा, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कुर्ता और उसके साथ प्लाजो वगैरह कुछ आएगा, पर ऐसा नहीं है। मुझे सिर्फ एक कुर्ता रिसीव हुआ, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया, तो वो भी मैंने परचेस कर लिया। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का पूरा ही वेडिंग कलेक्शन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट करना है, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वेडिंग कलेक्शन। चलो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ एक बहुत ही प्यारा सा, ये आप ये देखिए सूट सेट लिबास का है ये कुर्ता सेट, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है ये। तो चलिए पूरा ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा ये मुझे रिसीव हुआ है। तो ये मुझे 2800 के अराउंड कुछ ऐसा पड़ा है इसका, ये टैग मैंने अभी निकाल लिया है, फिर भी आपको ये कैमरे पर अगर क्लियर नज़र आ रहा हो तो ये लिबास का है। तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा है। तो ये आप अगर वेडिंग के फंक्शन में, अगर आपकी मेहंदी है और हल्दी के टाइम पे भी आप इसे आराम से वेयर कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो इसका जो फैब्रिक है सिल्क मटेरियल में है, 3/4 इसकी स्लीव्स आएगी, और आप ये देख सकते हैं इस तरह से जरी सीक्वेंस से बॉर्डर बनाए गए हैं, तो बहुत ही प्यारा सा है। नेक आप इसका देख सकते हैं कितना प्यारा सा है, तो और फ्रंट पे थोड़ा सा डीप में दिया गया है और बैक के साइड में ये उतना डीप नहीं है। तो पैरेट ग्रीन कलर का ये कॉम्बिनेशन है, और आप ये देख सकते हैं बीच बीच में ये फॉइल प्रिंट हो रखे हैं, तो बहुत ही प्यारा सा है, आराम से नहीं निकलने वाला है। तो इसका ये नेक मुझे बहुत पसंद आया, इसकी जो फैब्रिक की क्वालिटी है बहुत अच्छी है। तो इसके साथ आपको इलास्टिकेटेड ये पैंट भी रिसीव होगा, तो इस तरीके का है ये, आप ये देखिए फुल इलास्टिकेटेड है। तो इसका साइज़ मैंने एल साइज़ में इसे परचेस किया है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। इसमें एक पॉकेट भी दी गई है, आप इसमें आराम से कुछ भी रख सकते हैं, तो बहुत ही प्यारा सा है ये। और ये नीचे लोअर वाले पार्ट में इस साइड आपको ये लेस भी अटैच्ड मिलेगी दोनों साइड में। तो इसका जो फैब्रिक है बहुत अच्छा दिया गया है। सबसे प्यारा इसका लगा मुझे दुपट्टा, बहुत ही प्यारा सा ये बनारसी दुपट्टा आपको इसमें रिसीव होगा, पैरेट ग्रीन कलर में। ये पर्पल कलर का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही पसंद आया। तो ये इसकी जो दुपट्टे की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, सॉफ्ट वाली है, बनारसी होने के बाद ही वो जो खड़ा खड़ा सा रहता है उस टाइप का नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है ये। तो आप इसको ईज़िली कैरी कर सकते हैं मेहंदी के फंक्शन में, तो इसे जब आप कैरी करेंगे, इसे आप जब वेयर करके अगर फंक्शन अटेंड करते हैं तो सबकी नज़र आप पे टिकने ही वाली है। तो बहुत ही प्यारा सा है, जरी वीविंग का ये वर्क हो रखा है, और बैक साइड से उतना फिनिशिंग नहीं है बट निकलने वाला नहीं है, आप ये बैक साइड से देखिए बहुत ही प्यारा सा है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ बाइंग है ये। तो ये भी जो कुर्ता मैंने मंगाया है ये भी फ्रॉम लिबास से है, आप ये देख सकते हैं इसका टैग भी लगा हुआ है। तो इसी की मैं बात कर रही थी जिसके साथ मुझे कुछ प्लाजो या पैंट रिसीव नहीं हुआ है, बट मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इसके साथ कुछ प्लाजो या पैंट रिसीव होगा, बट ये मुझे सिर्फ कुर्ता ही मुझे ये रिसीव हुआ है। तो बहुत ही प्यारा सा है, और आप इसका ये जो नीचे आप देख सकते हैं इस तरीके की साइड में जो कॉर्नर निकले होते हैं इस तरीके के निकले हुए हैं, और इसमें एक एक पर्ल भी अटैच है दोनों साइड में, फ्रंट वाले में दोनों कॉर्नर में ऐसा पर्ल अटैच्ड मिलेगा। तो इसका आप नेक देख सकते हैं, जरी से पूरा इसका ये नेक बनाया गया है, तो राउंड नेक है ये, आप ये देख सकते हैं फ्रंट से भी ऐसा ही कम है इसका, ये जो नेक की गहराई है वो कम दी गई है। तो आप इसे मेहंदी वेहंदी के फंक्शन में अगर आप इसे पहन के जाते हैं तो बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा, और ये बीच बीच में ऐसा जरी से छोटे छोटे ऐसे डॉट डॉट बनाए गए हैं, ये स्टोन चिपकाए गए हैं, जरी साइड में अटैच्ड है इसके, और उसके ऊपर एक स्टोन चिपकाया है, तो बहुत ही प्यारा सा है। कलर मुझे बहुत अच्छा लगा इसका, और
प्राइस के अकॉर्डिंग ये भी बहुत ही प्यारा सा प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है। नेक्स्ट जो पीस है वो भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ, पर ये लिबास से नहीं है, ये है फ्रॉम इंडोएरा से। आप इसका ये देख सकते हैं टैग भी मैंने अभी निकाला नहीं है। तो ये रेड और मरून, ज़्यादा ये डार्क मरून शेड में तो नहीं है, थोड़ा सा रेडिश टाइप का जो कलर होता है ये उस टाइप का है। तो अगर आप इस आपके खुद का रिसेप्शन है और आप किसी का रिसेप्शन अटेंड करने जा रहे हैं तो उस पर आप इजीली इसको कैरी करके जा सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा ही इसका जो पूरा कुर्ता सेट है जो बहुत ही प्यारा है, वर्थ बाइंग है। तो इस ये अराउंड ये 2100 के आसपास ये पड़ा है। तो इसका आप ये नेक देख सकते हैं, सबसे ब्यूटीफुल साइज़ का ये नेक है। आप इस पर जरी से पूरे इसमें वर्क बनाए गए हैं और वही बैक के साइड में उतनी गहराई वाला नेक नहीं है, 3/4 इसकी स्लीव्स है। तो फैब्रिक इसका सिल्क ब्लेंड वाला जो फैब्रिक होता है उस टाइप का है, तो 3/4 स्लीव है। और इस पर भी आपको ये लेस अटैच्ड मिलेगी, ये आप ये देख सकते हैं दोनों साइड में। तो सिंपल सा कुर्ता है, बहुत ही प्यारा सा कुर्ता है। और अंदर जो है आपको लाइनिंग भी लगा है, इनर का जो फैब्रिक है वो भी लगा हुआ है। इनर जो फैब्रिक लगा है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारा सा ये कुर्ता है। और इसके साथ आपको इस तरीके का ये कटवर्क बॉर्डर वाली दुपट्टा रिसीव होगा। दुपट्टे की क्वालिटी भी बहुत अच्छी दी गई है, तो इस तरीके की ये जरी वीविंग वाले कटवर्क बॉर्डर वाली ये दुपट्टा आपको रिसीव होगा। तो बहुत ही प्यारा सा है, ख़ुद का अगर रिसेप्शन है तो बहुत ही प्यारा सा लगेगा। अगर आप इसको वेयर करते हैं तो सबकी नज़र जो है आप पर ही टिकने वाली है। तो इस तरीके के बूटे बनाए गए हैं, आप ये देख सकते हैं। इसके कलर ऑप्शन और तो नहीं है, पर हाँ सारे साइज़ में ही आपको आराम से मिल जाएंगे। तो एक इलास्टिकेटेड पैंट ये आपको रिसीव होगा इसके साथ, प्लाजो टाइप का ही है ये, तो फुल इलास्टिकेटेड है। तो एल साइज़ में मैंने ये परचेज़ किया है, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप परचेज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी एक अगर पॉकेट की बात करें तो हाँ, इसमें आपको एक पॉकेट रिसीव होगा, इसमें आप आराम से कुछ भी अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा है ये पैंट, मुझे इसकी फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये भी वर्थ पाएंगे। तो नेक्स्ट जो पीस है वो मेहंदी के फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है, वो भी है फ्रॉम इंडोएरा से। तो दो मैंने लिबास से मंगाए थे, दो मैंने इंडोएरा से मंगाए थे। तो इसका साइज़ भी मैंने एल मंगाया, एल नहीं मंगाया है। ये जो कुर्ता सेट है मुझे इतना पसंद आया कि इस पर ये मेरा साइज़ भी नहीं था, तो भी मैंने डबल हाँ एक्सल साइज़ में मैंने इसे परचेज़ कर लिया, क्योंकि ये कुर्ता सेट मुझे बहुत पसंद आया था। और इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, कलर इसका सबसे अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है। कुछ ऑर्गेन्जा टाइप का ये फैब्रिक है, कुछ नेट टाइप का इसका फैब्रिक है। तो इसको मैं टेलर से जो है ना अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको बनवा लूँगी, क्योंकि इसमें साइज़ अवेलेबल नहीं थे। हो सकता है मे बी अब हो गया हो, पर उस समय जब मैंने इसे परचेस किया था तब इसका साइज़ मुझे अपने साइज़ में ये नहीं मिला था। तो इस तरीके का आप ये देख सकते हैं, 3/4 स्लीव्स है और ये जरी से जो है ना इसमें बॉर्डर बनाया गया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अगर आपको खुद का मेहंदी का फंक्शन है, किसी की मेहंदी फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं ना, तो इस पर आप ये आराम से पहन सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगने वाला है। तो नेक आप देख सकते हैं इस तरीके का, आजकल जो ट्रेंड में है ना वी नेक, तो उस तरीके का ये वी नेक आपको रिसीव होगा इसमें, इस पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा। और आप पूरा ही देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसमें जरी वीविंग का वर्क हो रखा है। तो सेम जो बैक का जो नेक है वो ज़्यादा डीप नहीं दिया गया है। तो एक्सल है इसका, कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये आप ये देख सकते हैं फ्रंट में जो ये इस साइड आपको इस तरीके का जरी वाला इसमें लैस अटैच मिलेगा। तो इनर का फैब्रिक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी दी गई है। हाँ, दोनों साइड आपको इनर का फैब्रिक लगा हुआ मिलेगा। सबसे अच्छा इसका जो है ना ये प्लाजो सेट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फुल इलास्टिकेटेड है। और आप ये देख सकते हैं जो लोअर वाले पार्ट में ना इस तरीके की आपको जरी से दोनों साइड में आपको ये लेस अटैच्ड मिलेगी। इसका जो फैब्रिक की क्वालिटी है ना, कुछ शाइनी शाइनी वाला जैसा फैब्रिक होता है ना उस तरीके का है। तो बिल्कुल ही मतलब चटक कलर है, बहुत ही प्यारा सा है। तो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, वेडिंग के अकॉर्डिंग बहुत ही प्यारा सा ये सूट सेट है। तो आफ्टर मैरिज के बाद भी आप इसे वेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा लुक आएगा इस कुर्ता सेट के साथ। और इसका जो ये दुपट्टा है ना, बहुत ही प्यारा सा दिया गया है, आप ये देख सकते हैं। कुछ ऑर्गेन्जा के फैब्रिक में ये आपको रिसीव होगा। और इस पर जो है ना कुछ शिमरिंग वाला जो फैब्रिक होता है उस तरीके का ये आपको देखने को मिलेगा। और ये कटवर्क वाली
जरी से बॉर्डर बनाया गया है, बहुत ही प्यारा सा ये दुपट्टा है। तो कुल मिला के प्राइस के अकॉर्डिंग सारे जो कुर्ता सेट मैंने आपको दिखाया सब वर्थ पाइंग है। कुछ भी फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। लिंक इन सारे प्रोडक्ट का मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे से कुर्ता सेट है। तो जो मैंने अभी वेयर करके रखा हुआ है ये मीशो से है, अगर आप इसका भी लिंक चाहते हैं तो इसको भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो आज का तो ये था मेरा आज का वेडिंग कलेक्शन हॉल। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।